Hey guys, welcome back to our channel. हम आए हैं एक बहुत ही ज्यादा यूनिक प्रॉपर्टी में नेक्स्ट 2 डेज स्पेंड करने के लिए. और ये जो प्रॉपर्टी है ये मुंबई से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है. हमने जस्ट चेक इन किया है. यहाँ पर चेक इन का जो टाइमिंग है वो 2 PM का है और यूजुअली आपको 2 ही घंटा लगता है थाने से पहुँचने के लिए. यहाँ पर ये लोकेटेड है करजत में, बट आज पता नहीं पनवेल में हमें थोड़ा सा ट्रैफिक मिल गया तो हमें 20 मिनट ज़्यादा लग गया यहाँ पर पहुँचने के लिए. बट यूजुअली 2 घंटे में आप यहाँ पर पहुँच जाओगे. और ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक प्रॉपर्टी है. फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अमेजिंग है इसका. ये देखिए पूरा जो वॉल बाम्बू से क्रिएट किया है ना, ये हमारे पूरे कैबिन को या विला को पर्सनल स्पेस बना देता है. मतलब गाइस अगर आप आपके फैमिली के साथ या फिर एज अ कपल भी आते हो ना तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्राइवेसी मिलता है. यहाँ पे मस्त लॉन है, बैठने के लिए जगह है, उसके बाद में वहाँ पे भी काफ़ी बड़ा बैठने के लिए जगह, मतलब ग्रुप भी रहेगा ना तो काफ़ी सही लोकेशन है. और आपको आगे की चीज़ दिखा दो, यहाँ पे का जो स्विमिंग पूल है ना वो तो एक नंबर है ना. मस्त है एकदम, सब कुछ प्राइवेट है एकदम. ये स्पेस कैसा है कि अगर आपको स्विच ऑफ करना रहेगा ना कम्प्लीटली सारी चीज़ों से, आपके डेली रूटीन से, केओस से, तो ये परफेक्ट है एकदम, क्योंकि आसपास इतना ज़्यादा शांति है. तो बाकी सब चीज़ें बताने से पहले चलिए हम आपको रूम टूर दे देते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मुझे जो विजन है इसे बनाने के पीछे का मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मुझसे ज़्यादा इनको अच्छा लगा, क्योंकि ये नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड है मुझसे ज़्यादा. तो गाइस एक्सटीरियर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले हम आपको इंटीरियर दिखा रहे थे. ये बहुत ही यूनिक वे में इन्होंने डिज़ाइन किया है, पूरा वुड का यूज़ किया है उन्होंने. और यहाँ पे बेड है और आपको देख के ही समझ रहा होगा कि बहुत ही ऐसे यूजुअल वे में उन्होंने कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया है, बहुत पर्सनल टच से डिज़ाइन किया, जैसे हम हमारे घर में करते हैं ना वैसा. ये क्वीन साइज बेड है, उसको थोड़ा सा एलिवेशन दिया है वुडन प्लेटफॉर्म से. दोनों भी साइड पर उन्होंने टेबल रखे है, एक छोटा सा वेज रखा है अच्छा सा एक लुक देने के लिए. सिंस ये प्रॉपर्टी पूरा फॉरेस्ट के बीचों बीच है तो यहाँ पे थोड़े मॉस्किटोज और इंसेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए उसे रेपेल करने के लिए यहाँ पे उन्होंने मशीन्स दिए हैं, मॉस्किटो बैट दिया है या फिर जो बैडमिंटन जैसा दिखता है वो दिया हुआ है उन्होंने. फिर उसके बाद ये साइड के एरिया में देखिए हीटर है, फिर उसके बाद एक बड़ा सा टेबल दिया है वुडन का, फिर उस पर उन्होंने एक स्पीकर रखा है, नीचे कुछ गेम्स रखे हैं. तो अगर आपको स्विमिंग पूल में अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते टाइम पे म्यूज़िक सुनना है या फिर ऐसे ही आपको म्यूज़िक सुनना है तो आप सुन सकते हो. जस्ट मेक श्योर कीजिए थोड़ा कम आवाज़ में सुन रहे हो क्योंकि फॉरेस्ट के बीचों बीच हो आप. फिर उसके बाद ये एक और डोर है जो कि सीधा जाता है हमारे प्राइवेट पूल की तरफ, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ. फिर यहाँ पे उन्होंने एक सोफ़ा रखा है जहाँ पे 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, कुशन है एक बड़े साइज़ का और बहुत सारे उन्होंने कुशंस दिए हैं. और जितनी भी चीज़ें उन्होंने डेकोर के लिए यूज़ किए जैसे कि कर्टन्स, कुशंस, बेडशीट, कम्फर्टर, ये सारी चीज़ों का कलर उन्होंने बहुत न्यूट्रल रखा है ताकि हम फॉरेस्ट के बीचों बीच है तो उसमें ईजिली ब्लेंड हो जाए, ना कि हम एकदम लाउड बन के ऐसे उठ के दिखे हम लोग. सो ये बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. उसके बाद यहाँ पर एक टेबल है जहाँ पे हमने हमारा लगेज बैग रखा हुआ है. और अब मैं बेस्ट पार्ट दिखाने जा रही हूँ, टाडा, ये देखिए कितना बड़ा बाथरूम स्पेस है और इसे जिस तरीके से डिजाइन किया है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है. यहाँ पे है ये छोटा सा बाथ टब, छोटा नहीं है एक्चुअली, काफी यूज बाथ टब है जिसे मैं यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. फिर यहाँ पे उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है और एक विंडो डिज़ाइन किया है, बहुत ही एस्थेटिक वे में सब उन्होंने डिज़ाइन किया है यहाँ पर बाथरूम में, जहाँ से पूरा आपको लेक दिखता है, बाहर का जो प्लंज पूल है वो भी दिखता है. काफ़ी सारे उन्होंने डिफरेंट टाइप के फ्लोरा और फौना रखे हैं. इस साइड में उन्होंने शार एरिया बनाया है. फिर उसके बाद यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे सिंक एरिया है, मिरर है, सारी टॉयलेटरीज दी है उन्होंने. और ये ऊपर उन्होंने ऐसा ग्लास डाल दिया है सो दैट डिफ्यूज लाइट यहाँ पे आता है. सो ये जो डोर है वो लेकर आता है हमें डायरेक्टली हमारे प्राइवेट प्लंज पूल की तरफ. क्या मस्त है ना ये. हाँ, और ये हमारा फर्स्ट टाइम है कि हमें प्राइवेट पूल मिला है हमारे रूम के अंदर. और छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा पूल है. ये प्लंज पूल जो बोलते हैं यूजुअली बहुत छोटा होता है, बट इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है. और यहाँ से पूरा लेक का व्यू है, सनसेट होते हुए भी हमें दिखेगा. तो कैसे अभी हम पूल साइड के यहाँ पर बैठ के सनसेट देख रहे हैं और मस्त
चाय एंजॉय कर रहे हैं, कॉफी, अच्छा कॉफी मंगवाया क्या आपने? हाँ। कॉफी एंजॉय कर रहे हैं, मस्त है ना? मस्त है, एकदम गर्मा गर्म है। गुड मॉर्निंग गाइस, कल रात को पहले तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, बट बाद में काफ़ी अच्छा नींद आ गया, सेफ है यहाँ पर। और बेस्ट पार्ट, मतलब कल एक डॉग आके हमारे क्लिफ हाउस के, मतलब जो डाइनिंग एरिया है वहाँ पे बाहर आके बैठ गया था, तो उसके वजह से भी थोड़ा और ज़्यादा सेफ फील हो रहा था हमें। अभी हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, हमने इडली और एक ब्रेड बटर बुलाया। सो गाइस, ब्रेकफास्ट होने के बाद में मैं ऐसे ही बैठा था और उनका वेबसाइट चेक कर रहा था, तो वेबसाइट में मुझे समझा कि इनका और एक केबिन है, जैसे कि ये क्लिफ केबिन है वैसा लेक साइड केबिन भी है। और ये जो पूरा रिसोर्ट या फिर ये जो पूरा प्रॉपर्टी है ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इसका मतलब यहाँ पे जो भी यूज़ किया है वुड या फिर स्टोन्स, ये सारे जो यहाँ पे की जो चीज़ें पड़ी थी या फिर जो घर पुराने पड़े थे उसमें से रीयूज़ करके पूरा बना है। और जितना भी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे रखा है उसमें उन्होंने मेकश्योर किया है कि इसमें एनवायरमेंट को कोई हर्ट नहीं होगा या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे ऐसा मेंशन किया है कि जो भी पेस्टिसाइड्स यहाँ पे जो वो यूज़ कर रहे वो नेचुरल पेस्टिसाइड्स है, मतलब केमिकल वाले नहीं है, क्योंकि वो केमिकल वाले यूज़ करेंगे ना तो उसमें और भी नेचर को हर्ट होता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का उन्होंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दो तीन चीज़ें जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसमें एक यूनिक चीज़ क्या है पता है, ये जो पूरा उन्होंने बनाया है ये यहाँ पे का जो लकड़ा था उसका बनाया, और उसके ऊपर ही उन्होंने ये जो कर्टन है वो डाल दिया है। तो रात को अगर अपने को कर्टन नीचे डालना है तो डाल सकते हैं, बट उन्होंने रॉड का कोई यूज़ नहीं किया है, ये ऐसा वुड यूज़ किया है। टॉयलेट के बाजू में जो उन्होंने टिश्यू होल्डर रखा है वो भी किसी ट्री का ऐसा ब्रांच है या फिर ट्री का नीचे का पार्ट है, उसके ऊपर उन्होंने ये भी रख दिया है जिसके ऊपर हम लोग कुछ नॉर्मल सोप या फिर कुछ रख सकते हैं। सेम ये भी चीज़ टॉवेल रखने के लिए। सो हम लोग का खाना आ गया है और किंजल यहाँ पे काम कर रही है। कल रात को हम लोगों ने जो नॉनवेज बोला था, चिकन वगैरह बोला था, आज किंजल का मूड नहीं है, उसने बोला कि कुछ वेज मंगाते, तो हम लोगों ने पनीर टिक्का मसाला, दाल तड़का, चपाती ये मतलब तंदूरी रोटी और मसाला पापड़ मंगाए, क्योंकि मैं जब नॉनवेज आता है तो उसमें का कुछ सिर्फ रस्सा खाती हूँ। सो ये इनका किचन है जहाँ पे सारा सर्विंग होता है। और ये कार्तिक है, कार्तिक हम लोगों को कल से सर्व कर रहा है और बहुत अच्छा सर्विस है आपका। नहीं थैंक यू। फ्रेंड्स देखते देखते कौन खाना खाता है कमेंट करो नीचे, क्योंकि ये हमेशा करती है। सो गाइस, अभी सनसेट होने को आया है, इसका मतलब है ये पूल और ये व्यू को बाय बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बट हम यहाँ पे सिर्फ दो नाइट्स के लिए आए थे तो हमारा चेकआउट का टाइम हो चुका है, 12 बजे का चेकआउट है यहाँ पर। और ये नेचर रिट्रीट है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तो आपको कुछ अलोन टाइम स्पेंड करना है या फिर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है अपने पार्टनर के साथ या फिर फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, तो ये परफेक्ट है एकदम ही। और हमने शाम को कल ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया पूल में टाइम स्पेंड करने के बाद। इसका जो पूरा स्टेकेशन का कॉस्टिंग का डिटेल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। और बाकी कुछ आपको डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। सो बैग्स पैक हो चुके हैं और हमने पिकअप करने के लिए भी बुला लिया है। रेडी हो? यस। बाय गाइस। बाय गाइस।